हेलो दोस्तों, प्लांट्स एंड मून में आपका स्वागत है। आज हम लगाने जा रहे हैं साइकस पाम। साइकस पाम हम लगाएंगे साइकस पाम के पप से। साइकस पाम को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि आपका सैगो पाम, और एक लोकल नाम भी है कंगी पाम। कंगी पाम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो पत्ता है वो कंगी तरह दिखता है। साइकस पाम का जो पप है वो उसकी स्टेम में जो नीचे की तरफ आप देखेंगे ये ग्रो होता हुआ दिखेगा। ये जब पेड़ थोड़ा पुराना हो जाता है, ये पप जब ही निकल के आते हैं। छोटे प्लांट में पप कभी नहीं निकल के आते, तो ये नीचे इस तरह से होते हैं। आप इनको आराम से निकाल लीजिए। ये काफ़ी बड़े भी हो जाते हैं कई बार, और ये नीचे कई बार अच्छी तरह डेवलप भी होना शुरू कर देते हैं। अब जब हमने ये निकाल लिए हैं, तो निकालने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। हम आपको दिखाएंगे आप इसको कैसे लगा सकते हैं। चलिए, साइकस पाम के पप को लगाने के लिए हम नॉर्मल मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप इसको लगाएं तो इसका जो 75% हिस्सा है उसे आप मिट्टी में दबा दीजिए, और जो 25% है उसको आप मिट्टी से ऊपर रखिए। साइकस पाम के बारे में आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ कि ये जो पेड़ है वो आपका डायनासोर टाइम से चला आ रहा है, और ये बड़ा हार्डी प्लांट है। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पप्स लगाने के बाद हम इसमें सबसे पहले अच्छी तरह पानी लगाएंगे। आप इसमें 3-4 दिन का गैप देकर पानी लगा सकते हैं। जब आपको इसमें फुटाव दिखने लगे तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी कम कर दीजिए। साइकस पाम को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है, ज़्यादा पानी से इसकी जड़ गलना शुरू कर देती हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी ग्रोथ की प्रोग्रेस और इसी केयर के बारे में लेकर आऊँगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।